माननीय संजय निरुपम जी, एक ऐसी शख्सियत जो पूरा भारतवर्ष जानता है, जो अकेला ही सिंह के समान गर्जना करता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दिल्ली की सांसद की गलियारा। अभी अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद संजय भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं उत्तर भारतीय कच्छ सेवा संस्थान मुंद्रा की ओर से उनका। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। जी हाँ, हम यहाँ पर जो एक सकारात्मक सोच है वो हमने यहां अनुभव किया है, परंतु कई बार एक चीज मेरे मन में खटकता रहा जो मैंने संजय भाई से भी रखा था। कच्छ में भारत सरकार ने भूकंप की त्रासदी के बाद 300 के आसपास उद्योग धंधे पनपे हैं। आज मुंद्रा पोर्ट भारतवर्ष की अग्नि पोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, जहां 3 जेटी के जगह 14 जेटी की परिकल्पनाएं चल रही है। पूरे भारतवर्ष नहीं, मैं एशिया की बात करूं तो यह कच्छ जो है भविष्य का, शायद भारतवर्ष का सिंगापुर के स्वरूप में उभरे, ताइवान के स्वरूप में उभरे। यहां के जो शासकीय अग्नि है, उन लोगों की जो सोच मैंने देखी है, कई बार मन में क्वेश्चन उठता है। मैं समझ रहा हूं आपकी व्यग्रता को। हमारे बीच माननीय श्री संजय भाई जो उपस्थित हैं, मैं 10 मिनट केवल लेना चाहता हूं। हमारी जनता की व्यग्रता माननीय श्री संजय भाई के लिए है, हम सबों के लिए नहीं। माननीय श्री संजय भाई कृपया मंच पे आए और हमारे लोगों की उत्सुकता को एक जोरदार ताली। हेलो, मुंबई से आया हूं, सुनिए जरा, मुंबई से आया हूं। जैसे आप लोग बिहार उत्तर प्रदेश से चल के यहां पे रोजी रोटी कमाने आए, वैसे ही मैं भी बिहार से रोजी रोटी की तलाश में बंबई में जाके बस गया। निश्चित तौर पर 5-6 साल बाद देखने के बाद मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो हाल 5 साल पहले कच्छ का था, उसमें लगभग आसमान जमीन का फर्क हो गया। एकदम पूरी तरह से कच्छ बदल चुका है। इसके लिए निश्चित तौर पर बधाई के पात्र यहाँ के उद्योगपति हैं, लेकिन उससे ज्यादा बधाई अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो आप सारे बिहार और यूपी के मजदूरों को देना चाहूंगा, क्योंकि बगैर आपकी मेहनत के इतना बड़ा विकास नहीं हो सकता था। संतोष मिश्रा जी ने मुझे विशेष तौर पर कहा कि संजय जी यहां पर मुंद्रा पोर्ट में और उसके आसपास के औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं हो रहा है। उस अन्याय और शोषण को देखने के लिए आप वहां से आए और मैं उनके निमंत्रण पे आपका दुख जानने के लिए आया हूं। आपकी पेट भरता है मेहनत मजदूरी के बाद, सही मजदूरी मिले, 2 रोटी खाने के बाद पेट भरता है। तो आपको जो भी आपका जिस प्रकार से भी शोषण हो रहा है उसकी जानकारी मुझे मिश्रा जी ने दी है, और उस शोषण के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ आने वाले दिनों में
इसी मंच से आप लोगों की मदद करने के लिए संघर्ष और आंदोलन किया जाएगा, ऐसा मैं आपके सामने घोषणा करने आया हूं। क्योंकि अगर कच्छ का विकास हो रहा है, मुंबई का विकास हो रहा है, गुजरात का विकास हो रहा है, तो उस पूरे विकास में हम जो अपनी जड़ें छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना प्रांत छोड़कर यहां पर आए हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस योगदान के हिसाब से हम सबको भी एक अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हम सबको भी थोड़ा सुख मिलना चाहिए, थोड़ी शांति मिलनी चाहिए, थोड़ी तरक्की मिलनी चाहिए, थोड़ा विकास मिलना चाहिए, थोड़ी प्रगति हमारी भी होनी चाहिए।